हमारी धरती पर जीवन को बनाए रखने वाली जरूरी चीजों में पौधों का भी एक अहम योगदान है। यह भोजन के रूप में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से न्यूट्रिशंस लेकर हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाए रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन देने वाले यही पौधे कभी कभी जीवन लेने का भी काम करते हैं? क्योंकि हमारी धरती पर कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे भी हैं जो कि पूरी तरह से मांसाहारी हैं। आपको शायद मेरी बात पर यकीन ना आए, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है। सरप्राइजिंगली कुछ पौधे तो ऐसे भी हैं जो सांप जैसे खतरनाक जीव को भी खा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं हमारी धरती पर मौजूद कुछ ऐसे ही पौधों पर जो जानवरों को अपना भोजन बना लेते हैं। नंबर 10, जंगल लैटर्न। अब जंगल लैटर्न इस नाम के पौधे को देखिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि यह पौधा रात के समय अंधेरे में किसी लैटर्न की तरह जलने लगता है। दरअसल इसका यह नाम इस पर उगने वाले इस यूनिक आकार के फूलों की वजह से पड़ा है, जो कि देखने में काफी हद तक एक लैटर्न की तरह ही दिखाई देते हैं। ब्राजील और अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाला यह पौधा काफी हद तक एलोवेरा के पौधे से ही मेल खाता है, लेकिन इनके इन हरे पत्तों के नीचे सफेद रंग का काफी चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसे वैक्स कहा जाता है। अब जैसे ही कोई कीड़ा या फिर कोई और जीव इस पौधे के आसपास से गुजरता है, तो इसका यह वैक्स यानी कि मोम उस कीड़े को अपने ऊपर ही चिपका लेता है, जिसके बाद यह पौधा अपने पत्तों में से एक डाइजेस्टिव जूस को बाहर निकाल कर इन कीड़ों को चट कर जाता है। इस पौधे में से निकलने वाले इन पीले रंग के बेहद खूबसूरत फूलों के कारण ही इन्हें येलो स्ट्रैप प्लांट भी कहा जाता है। नंबर 9, कोबरा लिली। इन पौधों को देखने से ऐसा लगता है मानो जैसे कोई सांप अपना फन फैलाए बैठा हो। बस इसकी ऐसी संरचना के कारण ही इसे कोबरा लिली के नाम से जाना जाता है। यह पौधा सांप से इतना ज्यादा मेल खाता है कि अंधेरे में तो कुछ लोग इसे असली सांप ही समझ बैठते हैं और इससे डर कर दूर भाग जाते हैं। लेकिन आपको इस पौधे से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह पौधा हम इंसानों के लिए बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है। यह पौधा सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे इंसेक्ट्स को खाकर ही अपना गुजारा करता है। यह पौधा इतना रेयर है कि यह सिर्फ अमेरिका के कुछ चुनिंदा ठंडे इलाकों में ही पाया जाता है। कोबरा लिली हरे रंग के साथ साथ लाल रंग का भी हो सकता है। इनकी खूबसूरती से अट्रैक्ट होकर कुछ कीट पतंगे इनके पास आ पहुंचते हैं और एक सुरक्षित घर की तलाश में इसके अंदर जा घुसते हैं, जिसके बाद यह पौधा उनके लिए किसी ट्रैप का ही काम करता है और वो कीड़े इसके अंदर से कभी बाहर निकल नहीं पाते, क्योंकि यह पौधा अपने ऊपर लगे एक ढक्कन को बंद कर उन कीड़ों को वहीं पर फंसा लेता है और वो इस फन के अंदर भरे इस लिक्विड में गिरकर तड़प तड़प कर मर जाते हैं, जिसके बाद यह पौधा उन्हें अपना भोजन बना लेता है। नंबर 8, बाइब्लीस। बाइब्लीस यानी कि रेनबो प्लांट, जिसमें काफी सुंदर दिखने वाले रंग बिरंगे फूल भी खिलते हैं। और जैसे ही दिन के समय में सूरज की रोशनी इनकी इन झाड़ियों पर पड़ती है, तो यह पौधा अलग अलग तरह से बहुत सारे रंगों में चमकने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे यह पौधा नहीं बल्कि एक छोटा सा इंद्रधनुष हो। अब इनकी यही खूबसूरती बाकी के जीवों के लिए एक अभिशाप बन जाती है। इन्हें देखकर छोटे जीवों से लेकर इंसान तक भी इससे अट्रैक्ट होकर से छूने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन इसकी इन झाड़ियों के ऊपर दिखने वाली ये चमकदार रोएं कुछ और नहीं बल्कि नुकीले कांटे होते हैं, जिन्हें छूने पर हम इंसानों को भी काफी तेज दर्द होता है। लेकिन वहीं इससे छोटे जीवों की तो जान ही चली जाती है। इस पौधे की शिकार करने की कला भी काफी कमाल की है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस पौधे के पास शिकार को पचाने के लिए ना ही तो कोई ढक्कन है और ना ही तो कोई किसी तरह का वैक्स है। ऐसे में यह पौधा अपने पत्तों से काफी सुगंधित और रसीले द्रव को जमीन पर गिराता है, जिसे खाने के लिए कीड़े इसके ऊपर चले आते हैं। असल में यह रस कुछ और नहीं बल्कि एक तरह की गोंद होती है, जिसकी चपेट में आते ही यह कीट हमेशा हमेशा के लिए उस पर चिपक जाते हैं और फिर मरने के सिवा उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता। अब ऐसा भी नहीं है कि यह पौधा इन मरे हुए जीवों को खा जाता है। दरअसल यह पौधा अपने ऊपर एक ऐसे जीव को पाल रहा होता है जो इन मरे हुए कीटों को खाकर इनकी जड़ों में पोटी करते हैं और फिर यह पौधा उसी पोटी से न्यूट्रिशंस लेकर फलता फूलता है। नंबर 7, ट्रिगर प्लांट। खूबसूरत सा दिखने वाला यह पौधा काफी हद तक लैवेंडर के पौधे की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन जहां लैवेंडर के फूल वातावरण में सुगंध को छोड़ते हैं, वहीं यह पौधा तो किसी कातिल की तरह ही काम करता है। इसके तने में से काफी मीठा लिक्विड निकलता है।
अब जैसे ही छोटे कीड़े इससे अट्रैक्ट होकर इस लिक्विड को पीने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं तो उनकी सांसें रुक जाती हैं और उन्हें काफी दर्दनाक मौत मिलती है, जिसके बाद यह पौधा इन मरे हुए जीवों को डाइजेस्ट कर लेता है। इतना ही नहीं, इन कीटों का शिकार करने के लिए ये पौधा एक और तरकीब का भी इस्तेमाल करता है। जब भी कोई कीट इसकी पंखुड़ी के ऊपर आ बैठते हैं तो यह पंखुड़ी झटके से किसी ट्रिगर की तरह ही बंद होकर उन्हें जकड़ लेती है, जिसकी वजह से इसे ट्रिगर प्लांट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे में अगर कोई कीट इसके इस ट्रैप से निकल भी जाए तो ये पौधा उसके ऊपर अपने बीजों को छोड़ देता है, जिससे उसका पॉलिनेशन होता है और यह पौधा जगह जगह पर फैलने लगता है। नंबर 6, ब्लैडर वॉर्ट। पानी में उगने वाले इस पौधे का ना ही तो कोई सर होता है और ना ही तो कोई पैर, क्योंकि यह पौधा तो बिना जड़ के ही पैदा होता है और पानी के एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता रहता है। इन पौधों के पास तो सिर्फ स्टेम और इन पर उगने वाले फूल ही होते हैं। यह पौधा और इस पर उगने वाले पीले रंग के ये फूल काफी सुंदर दिखाई तो देते ही हैं, लेकिन इसी के साथ ये खतरनाक शिकारी भी होते हैं। पानी में रहने वाले जीव जैसे ही इसके इन फूलों की तरफ आते हैं तो ये पौधे बड़े ही चालाकी से इन्हें अपने इन स्टेम्स के जरिए अपने ब्लैडर में कैद कर लेते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते यह ब्लैडर इन कीड़ों को डाइजेस्ट कर लेता है। हालांकि पानी में रहने वाली छोटी मछलियों को इस पौधे से खतरा नहीं, बल्कि यह पौधा तो उन्हें भोजन देने और रहने के लिए घर का काम करता है। नंबर 5, रोरीडुला। इस प्लांट को देखने के बाद सबको लगता है कि यह तो वही रेम्बो प्लांट है, क्योंकि यह पूरी तरह से उनके जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन हकीकत में रोरीडुला रेम्बो प्लांट से काफी अलग होता है। यह पौधा सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है और साथ ही साथ यह पौधा किसी भी जीव का शिकार जानबूझकर नहीं करता। वैसे तो इसकी भी रोईदार पत्तों में से एक ग्लू जैसा ही द्रव निकलता है जो छोटे बक्स को अपने ऊपर चिपका लेता है। ऐसे में यह बक्स या तो किसी दूसरे जीव का शिकार बन जाते हैं या फिर भूख प्यास से इनकी मौत हो जाती है, लेकिन इस सब की बदनामी इस रोरीडुला को मिलती है। प्राचीन समय में तो रोरीडुला की कुछ प्रजातियों को मैन ईटिंग प्लांट में समझा जाता था, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने इस बात को पूरी तरह से नकार दिया। नंबर 4, बटरवर्ट्स। चलिए अब एक बार फिर से पानी में उगने वाले एक और सुंदर से पौधे की बात करते हैं। इन पौधों को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कुछ चुनिंदा जंगली इलाकों में पानी में बने गड्ढों में ही देखा जाता है, जो कि देखने में काफी शाइनी दिखाई देते हैं। इन पौधों के भी पंखुड़ियों पर वैक्स जैसा एक पदार्थ लगा होता है, जिस पर बैठकर जीव उसमें ही चिपक जाते हैं और इससे बचने के संघर्ष में वह इसमें और उलझते चले जाते हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो जाती है। और फिर बाद में इस पौधे में उगने वाला पत्तों वाला यह फूल इन्हें अपने अंदर दबाकर बेरहमी से खा जाता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत जो इसे बाकी के पौधों से काफी अलग बनाती है वो यह है कि इसका पॉलिनेशन सिर्फ और सिर्फ हमिंग बर्ड के द्वारा ही किया जाता है। बदले में यह पौधा आम हमिंग बर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि ये तो उसका पोषण करता है। नंबर 3, संड्यू प्लांट। मांस को खाने वाले इन सभी पौधों की एक कॉमन खासियत ये है कि ये सभी के सभी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन अक्सर खूबसूरती के पीछे काफी बड़ा खतरा भी छुपा होता है। कुछ ऐसे ही खतरनाक है यह पौधा भी, क्योंकि यह पौधा तो लगभग हर तरह के जीवों को अपना शिकार बना लेता है। इन पर लगे यह खूबसूरत और रंगीन रोए इनके शिकार करने का एक अहम हथियार है। जैसे ही कोई भी जीव इनके पास मंडराता है तो यह उनके शरीर में एक ऐसे द्रव्य को इंजेक्ट करता है जिससे वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसके बाद यह फूल धीरे धीरे फोल्ड होकर उन जीवों को चारा की तरफ लिपट कर उनका दम तोड़ देता है और उनके शरीर में मौजूद हर तरह के न्यूट्रिशंस को चूस लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया भर में इस जानलेवा प्लांट की 194 अलग अलग प्रजातियां पाई जा चुकी हैं और यह सब के सब शिकारी होने के साथ साथ काफी जहरीली भी हैं। साथ ही यह पौधा दुनिया के लगभग हर एक कोने में पाया जाता है। नंबर 2, वीनस फ्लाई ट्रैप। यह पौधा नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे की खूबसूरती के पीछे भी एक चालाक शिकारी छुपा होता है। यह अपने इन पेटल्स को फैलाकर उसमें से काफी धीमी धीमी सुगंध को वातावरण में छोड़ता है।
यह पौधा इन कीटों को अपना शिकार बनाने के लिए बेहद ही चालाकी से एक जाल बुनता है, और जैसे ही आसपास में घूमने वाले कीट पतंगे या फिर मकड़ियां इनके इन पेटल्स तक पहुंचती हैं, तो यह वीनस फ्लाई ट्रैप अपने ही पेटल्स को झटके से बंद कर उन्हें अपने इस ट्रैप में फंसा लेता है। इनके इन पेटल्स में काफी छोटे छोटे लेकिन नोकीले कांटे भी मौजूद होते हैं, जो कि इन पेटल्स में फंसे शिकार को काफी दर्दनाक मौत देते हैं। इन पेटल्स में बंद होने के बाद यह करीब एक सप्ताह तक ऐसे ही बंद रहता है और खुद में फंसे कीट पतंगों को चटकर उनका सफाया कर देता है। नंबर 1, पिचर प्लांट। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक और अनोखे शिकारी प्लांट की, जो कि किसी तरह के पॉट के जैसा ही दिखाई देता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इस प्लांट को पिचर प्लांट के नाम से भी पुकारते हैं। इस प्लांट की खासियत यह है कि यह देखने में और सुगंध में काफी हद तक कच्चे मांस की तरह ही दिखाई देता है। यही कारण है कि बाकी के जीव इस पौधे को कोई मरा हुआ जीव समझने की भूल कर बैठते हैं और इससे अट्रैक्ट होकर इसे खाने के लिए इसके ऊपर आ बैठते हैं। वैसे तो यह पौधा काफी रेयर होता है और अमेरिका और एशिया के कुछ गिने चुने जंगली इलाकों में ही पाया जाता है। आपको शायद मेरी इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन कई बार तो पिचर प्लांट के यह पॉट 1 फुट जितने बड़े भी हो जाते हैं, जो कई बार तो बड़े जीवों जैसे कि सांप, छिपकली और यहाँ तक कि चूहों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। जैसे ही कोई भी जीव इन पॉट्स के अंदर जाता है, तो इस पौधे में मौजूद यह द्रव्य उसे गलाकर पचाना शुरू कर देता है। हैरानी की बात तो यह है कि यह पौधा मच्छर, मेंढक और मकड़ी जैसे जीवों का शिकार नहीं करता, बल्कि वो इस पौधे का इस्तेमाल अपना पेट भरने के लिए करते हैं। जहां मकड़ी इस पौधे के ऊपर जाला बनाकर रहती है, वहीं मेंढक इसमें मौजूद फंसे हुए जीवों को खाकर अपना पेट भरता है। और अगर बात की जाए मच्छर की, तो वह तो इस पौधे में मौजूद इस द्रव्य में अपने अंडे तक भी दे देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मांस को खाने वाले इन पौधों के बारे में काफी अहम जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले इस बेल आइकॉन को ऑन करना न भूलना। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए